दिल्ली के चिड़ियाघर में गत वर्ष सितंबर माह में हुई दिल दहला देने वाली घटना आज भी लोगों को याद है, जिसमें सफेद बाघ ने एक युवक को मार डाला था। ऐसा ही वाकया हाल ही में इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में पेश आया, जब नशे में धुत एक युवक शेर के बाड़े के बफर जोन में कूद गया। यदि वहां मौजूद गार्ड बद्रीलाल समय पर नहीं चेतता तो यहां भी दिल्ली जैसा हादसा हो जाता। दरअसल व्हाइटनर का नशा करने वाले राहुल अपने मोहल्लों के लड़कों से परेशान था, क्योंकि वे नशाखोरी करने पर राहुल को पीटते थे। राहुल ने कहा, नशे में था तो चले जाता। कुछ आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था क्या? क्यों, क्या कारण था? अरे मैं तो जो मेरा था कि बड़े बड़े छोरों ने ना, मैं उधर बैठने पीछे घूमता हूँ तो मेरे को मारते, और घर वाले जब देखो बासी रोटी खिलाते और कहते काम पे आ तो मिलेगी। इंदौर के त्रिवेणी नगर चितावत का रहने वाला राहुल विनोदिया नामक युवक आजाद नगर तरफ के नाले से चिड़ियाघर में घुसा और बाड़े के बाहर लगी सुरक्षा जाली फंदकर अंदर बफर जोन में उतर गया। इस घटना पर चिड़ियाघर प्रभारी उत्तम यादव ने कहा, एक लड़का था जो काफी शराब पिया हुआ था और उत्पाद उसने यहाँ लायन के सामने मचाया था। और यहाँ पर जो हमारे गार्ड, क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली एपिसोड के बाद से सारे लोगों को व्यवस्थित रूप से मॉनिटर करने के लिए बोल के भी रखा था, और उसी का परिणाम ये था कि हमारे जो गार्ड था उसने उस लड़के को नोटिस में ले लिया था जो हरकत कर रहा था, और उसके गार्ड ने उसका पीछा भी किया, उसके पीछे भी चल भी रहा था। जैसे उसने बफर जोन के अंदर जंप किया तो उसने उसको चिल्लाया, सीटी भी बजाई और हल्ला भी किया। जब नहीं माना वो तो फिर उसने डंडा फेंक के उसको मारा, लेकिन उसके बाद भी नहीं माना तो जब हल्ला किसने किया तो हमारे सारे कर्मचारी अलर्ट हो गए, क्योंकि पास में वो लोग भी काम कर रहे थे, सारे इकट्ठा हो गए। हमारे कुछ फोटोग्राफर जो जूम में प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं वो लोग भी आ गए, और सभी ने मिलकर जॉइंटली एक एक्शन शुरू किया। और क्योंकि हमारे लाइन उस समय करीब एक दूसरे कोने पे थे और दोनों सोए हुए थे, तो एक कोई घटना होने से उनको तुरंत रोका। हमारे कर्मचारियों ने उसको हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद फिर हमने उसको FIR कराई और फिर थाने पे भेजा उसको। मैंने नहीं पहचाना उसको, दारू पी के आया था। हाँ, जाली पे चढ़ने लगा। हाँ, तो हमने डंडा से रोका उसको। हाँ, फिर भी नहीं माना, लटक गया वो। हाँ, फिर बड़ी मुसीबत से हमने निकाला उसको।